हेलो स्टूडेंट्स, एनएस तथा जीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था आपके पास में असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से आयताकार कुंडली के गति के कारण जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा, उसका मान हमने निकाला था। और उसी के अंदर हमने सेकेंड टॉपिक पढ़ा था कि आपके पास में असमान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर नियत वेग से गतिशील जो आयताकार कुंडली है क्या वह ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करती है। तो उसको मैंने अच्छे से समझा दिया था कि आपके पास में असमान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो आयताकार कुंडली है वो वेग या गति करने के कारण ऊर्जा संरक्षण के नियम की क्या करती है, पालना करती है, क्योंकि वहां पे आपके पास में कार्य और जो ऊष्मा थी वो दोनों क्या थे, एक समान। इसलिए वो आपके पास उस कुंडली को विस्थापित करने में किया गया जो कार्य है किसके रूप में प्राप्त हो रहा था, ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो रहा था। तो इस क्लास के अंदर हम बात करते हैं जो टॉपिक आपके पास में समरूप चुंबकीय क्षेत्र में नियत कोणीय वेग से घूर्णन करती हुई चालक छड़ का क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है। अब आपके पास में ये जो टॉपिक है ये 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास इसको इंपॉर्टेंट कर देना भाई। अब टॉपिक क्या कह रहा है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में नियत कोणीय वेग से घूर्णन करती हुई चालक छड़ का क्या निकालना है, आपको विद्युत वाहक बल निकालना है। तो आपके पास में सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, और समरूप चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्रॉस क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, क्रॉस क्रॉस से। और असमान चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो आपके पास में ये क्या है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है, क्या है, बी। अब आपके पास में ये जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र भी है इसकी जो दिशा होगी वो तल के लंबवत क्या होगी, अंदर की ओर होगी। ध्यान रखना भैया, ये जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र है इसकी जो दिशा होगी तल के लंबवत क्या होगी, अंदर की ओर होगी, तल के लंबवत क्या होगी, अंदर की ओर होगी। अब आपके पास में इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक एल लंबाई की क्या रखी हुई है, चालक छड़ रखी हुई है, एक एल लंबाई की क्या रखी हुई है, चालक छड़ रखी हुई है, और यह चालक छड़ नियत कोणीय वेग ओमेगा से क्या करती है, गुणन करती है। तो आपके पास में यह जो चालक छड़ है नियत कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रही है, गुणन कर रही है। आपके पास में इसका कोणीय वेग कितना है, ओमेगा, तो ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रही है, ये गुणन कर रही है। तो आपके पास में यहाँ पे ये आर कितने त्रिज्या के, एल त्रिज्या के वर्ताकार पथ के अंदर क्या करती है, गुणन करती है, एल त्रिज्या के वर्ताकार पथ के अंदर क्या करती है, गुणन करती है। यदि आपके पास में ये जो छड़ है, ये छड़ है वो डेल्टी समय में, कितने समय में, डेल्टी समय में बिंदु ए से कहां पहुंच जाती है, ए डैश पर पहुंच जाती है। माना प्रारंभ के अंदर आपके पास में जो छड़ है वो कहां है, बिंदु ए के ऊपर है, और डेल्टी समय के अंदर वो कहां पहुंच जाती है, ए डैश के ऊपर पहुंच जाती है। तो यहां भाई आपके पास में क्या है, ए डैश है। तो यहां पे ध्यान देना कि जो संपूर्ण छड़ है वो कितने वेग से, कोणीय वेग से क्या कर रही है, गुणन कर रही है। तो यहां पे आपके पास में माना इस छड़ के ऊपर एक अल्पांश क्या है, डीएल है, ये आपके पास में छड़ है, इसके ऊपर एक अल्पांश हमने क्या मान लिया, डीएल है, छोटा सा अल्पांश हमने मान लिया, और ये जो अल्पांश डीएल है इसका रेखीय वेग कितना है, वी है, रेखीय वेग कितना है, वी है। जब आपके पास यह अल्पांश डीएल रेखीय वेग वी से क्या करता है, गति करता है, तो इस अल्पांश के ऊपर उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो यहां लिख रहा हूं मैं अल्पांश डीएल के कारण
उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब आपने अल्पांश लिया है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, अल्पांश होगा। तो आपके पास में डी, डी बराबर कितना होगा भाई, इससे पहले मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें एक टॉपिक करवाया था कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ के कारण, चालक छड़ की गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे अल्पांश है, वहां पे चालक छड़ है, तो आपके पास में कितना होगा, वहां पे आपके पास जो मान आया था आपके पास कितना आया था, E बराबर बी वी एल आया था। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी है, वेग कितना है इस अल्पांश का, वी है, और आपके पास में उसकी लंबाई कितनी है, डी एल है, कितनी है, डी एल। तो यहाँ पे ध्यान रखना कंप्लीट लंबाई नहीं ली हमने, एक अल्पांश का ही क्या किया है, जिक्र किया है, क्योंकि आपके पास में जो संपूर्ण चालक छड़ है वो तो कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रही है, गुणन कर रही है, परंतु आपके पास में जो अल्पांश है उसका वेग कितना माना है, रेखीय माना है। क्यों माना है, क्योंकि आपके पास में छोटा सा अल्पांश है, ये ऐसे गति करेगा तो एक रेखा के रूप में ही माना जाएगा, क्या माना जाएगा, रेखा के रूप में ही माना जाएगा, इसलिए आपके पास d बराबर कितना हो गया, v b v d l, b v d l। अब यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में यहां जो वेग है वो कौन सा वेग है, v है, कितना है, v है। तो आपके पास यदि अल्पांश का कोणीय वेग कितना है, ओमेगा है, तो रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में क्या संबंध होता है, मैंने करवा रखा था ग्यारहवीं क्लास में आपको करवा दिया था। तो यहां पे लिख रहा हूं, यदि अल्पांश, यदि अल्पांश डी एल का कोणीय वेग ओमेगा है, तो यदि अल्पांश डी एल का कोणीय वेग कितना है, ओमेगा है, तो रेखीय वेग, तो रेखीय वेग आपके पास में, रेखीय वेग कितना होगा भाई, आपके पास में रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में समान v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। यहां आपके पास में त्रिज्या कितनी है, एल है, तो एल क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ध्यान रखना वी बराबर क्या होता है आपके पास में, आर ओमेगा। इलेवंथ क्लास में मैंने टॉपिक करवाया था कि रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, तो वी बराबर कितना आया था, आर ओमेगा आया था। अब आपके पास यहाँ त्रिज्या आर नहीं है, यहाँ त्रिज्या कितनी है, एल है, तो आपके पास v बराबर कितना हो गया, आपके पास में v बराबर l ओमेगा। तो v का मान उठाकर इस समीकरण के अंदर डालेंगे तो आपके पास में d बराबर कितना होगा, b ओमेगा l और d है। यह आ गया आपके पास समीकरण नंबर a, समीकरण नंबर a। अब उससे आगे ध्यान से समझना कि आपके पास में जो de, जो अल्पांश के कारण क्या है, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है, क्या है, अल्पांश के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो हमें किसका निकालना है, संपूर्ण चालक छड़ का क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है। तो आपके पास में अल्पांश जो चालक छड़ है वो क्या है, काफी सारे अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है, तो हम क्या कर दें, संपूर्ण चालक छड़ का प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालने के लिए समीकरण एक का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो यहां लिख रहा हूं मैं, संपूर्ण चालक छड़ का विद्युत वाहक बल, का विद्युत वाहक बल समीकरण एक का समाकलन करने पर, समीकरण एक का समाकलन करने पर, समीकरण एक का समाकलन करेंगे तो आपके पास में क्या होगा, समाकलन
डी बराबर कितना होगा आपके पास में, समाकलन कितना हो जाएगा बी ओमेगा एल, और कितना हो जाएगा डी एल हो जाएगा, कितना हो जाएगा डी एल। तो आपके पास में यहां पे ध्यान देना बी ओमेगा क्या है, नियत मान है, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है आपके पास में नियत है, और आपके पास जो चालक छड़ है वो कोणीय वेग ओमेगा से नियत वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है, ये दोनों मान क्या है नियत है, ये क्या होंगे बाहर आ जाएंगे। समाकलन डी का क्या होगा ई होगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा बी ओमेगा समाकलन एल और डी एल, समाकलन एल और डी एल। अब यहां पे आपके पास में एल डी एल एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होता है आपके पास, चूंकि समाकलन एक्स और डी एक्स करवा रखा है मैंने आपको, तो आपके पास क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे टू, एक्स स्क्वायर बटे टू। तो इसी प्रकार एल डी एल का क्या होगा एल स्क्वायर अपॉन में टू, तो आपके पास E बराबर हो जाएगा बी ओमेगा और इंटू कितना होगा एल स्क्वायर अपॉन में टू, एल स्क्वायर अपॉन में टू। तो ये आ गया आपके पास में समीकरण नंबर, कितना आ गया आपके पास में समीकरण आ गया कितना है दो, समीकरण दो। यदि आपके पास में अल्पांश की आवृत्ति कितनी है f है, अल्पांश की आवृत्ति कितनी है f है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं यदि अल्पांश की आवृत्ति f है या n है, तो आपके पास में कोणीय आवृत्ति तथा आपके पास में जो मान है ओमेगा बराबर, ओमेगा बराबर कितना होता है टू पाई एफ होता है, क्या होता है टू पाई एफ, या आपके पास ओमेगा बराबर क्या होता है टू पाई एन, यहां पे आपके पास एफ या एन क्या है आवर्ती है, तो आपके पास में कोणीय जो आवर्ती है वो कितनी होती है ओमेगा बराबर टू पाई एफ होता है, तो ये मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास ई बराबर कितना होगा बी इंटू टू पाई एफ, और कितना हो जाएगा इंटू एल स्क्वायर बटे टू, टू से टू कैंसिल, तो आपके पास यहां ई बराबर कितना हो गया बी एफ और कितना हो गया इंटू पाई एल स्क्वायर, पाई एल स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में जो वर्ताकार पथ है उसकी त्रिज्या कितनी है एल है, उसकी त्रिज्या कितनी है एल है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा पाई एल स्क्वायर होगा, या आपके पास में चालक छड़ द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, चालक छड़ द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, तो यहां पे हम लिख सकते हैं चूंकि आपके पास में यहां पे ए बराबर क्या हो जाएगा पाई एल स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा पाई एल स्क्वायर। अब आपके पास यहां पे ध्यान देना पाई एल स्क्वायर का मान क्या डालेंगे ए डालेंगे, तो आपके पास ई बराबर कितना होगा आपके पास में बी ए एफ, बी ए एफ, और ये जो मान है वो क्या है आपके पास में समरूप चुंबकीय क्षेत्र में नियत कोणीय वेग से गुणन करती हुई चालक छड़ का प्रेरित विद्युत वाहक बल, ई बराबर कितना हो गया आपके पास में बी ए एफ आ गया। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है कि आपके पास कोई समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर इतना है, उसमें आपके पास इतनी लंबाई की चालक छड़ क्या कर रही है कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है, तो उस चालक छड़ का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो उसके लिए हम सीधा सूत्र डालेंगे ई बराबर क्या होता है बी ए एफ होता है, ए यहाँ पे क्या है आपके पास में चालक छड़ द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल है, और बी क्या है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, और एफ क्या है यहाँ पे आवर्ती है, क्या है आवर्ती। सभी का मान डालेंगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो अब इससे अगले वाला जो आपके पास में टॉपिक है उस वो टॉपिक भी बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और वो है आपके पास में समरूप चुंबकीय क्षेत्र में
आयताकार कुंडली के घूर्णन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो टॉपिक को दोबारा से सुनना, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली के घूर्णन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, ध्यान से समझना। टॉपिक डाल रहा हूं मैं। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि आपके पास में यहां पे जो हमने अभी इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में नियत कोणीय वेग से घूर्णन करते हुए चालक छड़ का क्या निकाला था, प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाला था। इसी प्रकार से आपके पास में चक्की का होता है। किसका होता है? चक्की का। तो कंफ्यूज मत होना, बोर्ड एग्जाम में अगर चक्की आती है तो भी हमें किसका निकालना है, चालक छड़ का ही निकालना है। जो चक्की है वो क्या है आपके पास में, एन छड़ों से मिलकर बनी हुई है। सेम बात है, उसमें अलग अलग टुकड़े मान लेंगे और इसके अंदर कितनी छड़ है, एक चालक छड़ है, तो दोनों का सेम निकलेगा। दोनों का क्या होगा, सेम निकलेगा। तो आपके पास में अगला है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली के घूर्णन के कारण, कुंडली के घूर्णन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक के बल। इस टॉपिक को अच्छे से समझना, इस टॉपिक के अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो हमें दसवें चैप्टर में सहायता प्रदान करेंगे। दसवें चैप्टर में क्या होंगे, सहायता प्रदान करेंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना कि आपके पास टॉपिक क्या कह रहा है, पहले वो समझो। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली कैसी है, आयताकार है, कुंडली के घूर्णन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आयताकार कुंडली क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, तो उसका क्या निकालना है आपको, प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। तो यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र क्या है, N और S है। एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र क्या है, N और S है। और समरूप चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, समरूप चुंबकीय क्षेत्र किससे उत्पन्न करते हैं हम, टॉपिक आता है आपके पास में समरूप चुंबकीय क्षेत्र किससे उत्पन्न करते हैं, हेलम होल्डर्स कुंडलियों से, पढ़ा रखा है मैंने आपको। तो आपके पास में इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक आयताकार कुंडली पी क्यू आर एस कोणीय वेग ओमेगा से क्या करती है, गुणन करती है। कोणीय वेग ओमेगा से क्या करती है, गुणन करती है। तब उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या करना है आपको, निकालना है। यहां पे ध्यान देना कि जो आपके पास में समरूप चुंबकीय क्षेत्र है वो तल के लंबवत क्या होता है, अंदर की ओर होता है। तल के लंबवत क्या होता है, अंदर की ओर होता है। तो अब इसके अंदर ध्यान देना कि आपके पास यदि जो आयताकार कुंडली है उसके अंदर फेरों की संख्या कितनी है, n है। इसके अंदर फेरों की संख्या कितनी है, n है। और आपके पास में इस आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल कितना है, a है। इस आयताकार कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, a है। तो आपके पास में और आपके पास जो ये कुंडली है इसका जो क्षेत्रफल है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। ध्यान देना कि जो कुंडली का क्षेत्रफल ए है वो चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तब आपके पास में इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फलक्स, इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फलक्स से चुंबकीय फलक्स की परिभाषा से क्या हो जाएगा, फाई बराबर कितना होगा, बी ए कोस थीटा, क्योंकि मैंने करवा रखा है
चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कुंडली, आयताकार कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, आयताकार कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा भाई बोलो? फाइबी, फाइबी बराबर कितना होगा? एन ए बी या फिर एन बी ए कोस थीटा, क्योंकि डॉट को खोलेंगे। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है फाइव बी बराबर कितना होता है? बी डॉट ए होता है। डॉट को खोलेंगे तो क्या आएगा आपके पास में? कोस आएगा। तो यहाँ एन क्या है? फेरों की संख्या है। वहां हमने एक फेरे के लिए ही क्या निकाला था? चुंबकीय फ्लक्स निकाला था। यदि कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कितनी है? एन है। तो फाइव बी बराबर कितना हो गया? एन बी ए कोस थीटा। यह आ गया आपके पास समीकरण नंबर ए, समीकरण नंबर ए। अब उससे आगे ध्यान से समझना, यदि आपके पास जो कुंडली है टी समय में कितना कोण बनाती है? थीटा कोण बनाती है। ये ऐसे क्या करती है? कोणीय वेग ओमेगा से क्या करेगी? गुणन करेगी। और टी समय के अंदर क्या बनाती है? थीटा कोण बना रही है चुंबकीय क्षेत्र के साथ में। तो आपके पास में यहां पे लिख रहा हूं, यदि कुंडली टी समय में थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है, तो आपके पास थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ओमेगा टी, ओमेगा टी, क्योंकि ये संबंध ग्यारहवीं क्लास में मैंने करवा रखा है। थीटा बराबर कितना आया था आपके पास में? ओमेगा टी आया था। तो ये मान उठाकर समीकरण एक के अंदर डालेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण एक से क्या मान होगा आपके पास में? फाइव बी बराबर हो जाएगा एन बी ए कोस ओमेगा टी। समीकरण नंबर कितना आ गया? दो। समीकरण नंबर दो, एक मिनट रुको भाई। समीकरण दो आ चुका है आपके पास में। अब समीकरण दो से आगे देखना कि समीकरण दो से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है। समीकरण दो से ये स्पष्ट हो रहा है कि आपके पास में उस कुंडली के समय में क्या होता है? परिवर्तन होता है। समय में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो समय में परिवर्तन होगा तो उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो यहां पे दोबारा से ध्यान देना कि समीकरण दो से स्पष्ट होता है कि आपके पास समय में परिवर्तन होने से चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। और जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली के अंदर क्या उत्पन्न होता है? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। किसका नियम था ये? फैराडे का नियम था। तो आपके पास में फैराडे के नियम से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं फैराडे के नियम से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा भाई आपके पास में? उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर होगा माइनस डी फाई बटे डीटी, माइनस डी फाई बटे डीटी। तो आपके पास में यहां फाइव बी कर दो तो आपके पास में फाइव बी का मान किसके अंदर है? समीकरण दो के अंदर है। तो यहां लिखेंगे समीकरण दो से तो समीकरण दो से क्या मान होगा आपके पास में? ई बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस डी बटे डीटी, और फाइव बी का मान कितना है? बी ए और कोस ओमेगा टी। अब यहां पे ध्यान देना एन ए बी क्या है? नियतांक मान है। कुंडली के अंदर फेरों की संख्या और चुंबक समरूप चुंबक के क्षेत्र भी और कुंडली का क्षेत्रफल ए क्या है आपके पास में? नियतांक मान है। इसको बाहर निकालेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एन बी ए
डी बटे डी टी और क्या होगा कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी। अब यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में कोस थीटा का आपके पास अवकलन क्या होता है, यहां पे लहसुन की डी बटे डी टी कोस थीटा बराबर कितना होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो यहां पे आपके पास क्या होगा, यहां पे कोस ओमेगा टी, यहां पे ओमेगा टी टी नहीं है, कोस का तो हो जाएगा माइनस ओमेगा टी, परंतु ओमेगा टी का दोबारा से करेंगे तो क्या होगा आपके पास ओमेगा होगा, तो ई बराबर होगा आपके पास में माइनस एन बी ए और क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी, परंतु यहां ओमेगा टी टी नहीं है, टी के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा आपके पास डी बटे डी टी, ओमेगा टी का क्या करते हैं दोबारा से अवकलन करते हैं, तो यहां ओमेगा क्या होगा बाहर आ जाएगा, नियतांक मान है डी टी बटे डी टी का मान कितना होगा एक होगा, तो आपके पास यहां पे लिख रहा हूं चूंकि ओमेगा बाहर आ गया डी टी बटे डी टी बराबर कितना हो गया ओमेगा, तो यहां इस मान को सोल्व करेंगे क्या मान आ रहा है ओमेगा आ रहा है, ओमेगा को इस संख्या के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ई बराबर हो गया आपके पास एन बी ए और क्या हो जाएगा ओमेगा और क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब उससे आगे ध्यान से समझना कि आपके पास एन बी ए ओमेगा चारों मान क्या है नियतांक मान है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहां पे ई बराबर या ई नोट बराबर, ई नोट बराबर एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा। आपके पास में जो ई नोट है, जो ई नोट है वो अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल है, क्या है अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो ये मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास ई बराबर कितना हो जाएगा एफ ई नोट और कितना होगा आपके पास साइन ओमेगा टी। समीकरण नंबर कितना आ गया आपके पास में तीन, समीकरण नंबर तीन। अब उससे आगे यहां पे दोबारा से बता रहा हूं आपको, जो ई नोट है वो आपके पास में क्या है अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल है, अधिकतम क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल है। अब उससे आगे ध्यान से समझना, यदि कुंडली का प्रतिरोध कितना है आर है, यदि कुंडली का प्रतिरोध कितना है आर है, तो प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा आई बराबर क्या होगा आपके पास में ई अपोन में आर, ई अपोन में आर, ई का मान कितना है ई नोट साइन ओमेगा टी, तो आपके पास में यहां हो जाएगा आई बराबर कितना होगा ई नोट साइन ओमेगा टी बटे कितना हो गया आर, बटे कितना हो गया आर। अब यहां पे चूंकि ई नोट बटे आर बराबर कितना होगा आई नोट होगा, क्या होगा आई नोट होगा, और जो आई नोट है वो अधिकतम प्रेरित विद्युत धारा है, क्या है अधिकतम प्रेरित विद्युत धारा है, इसलिए आपके पास आई बराबर क्या हो गया आई नोट साइन ओमेगा टी, या गया समीकरण नंबर चार, समीकरण नंबर चार। अब यहां पे भाई ध्यान से सुनना क्योंकि दसवें चैप्टर में काम आएंगे, आपके पास में जो समीकरण तीन और समीकरण चार के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित जो विद्युत धारा है वो आपके पास में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहलाती है, क्या कहलाती है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहलाती है। तो हम दसवें चैप्टर में सीधा टॉपिक डालेंगे तो वहां पे हम लिखेंगे कि आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा कितनी है आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, और आपके पास प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कितना है ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, तो कंफ्यूज मत होना भाई, वहां पे सीधा मान डालेंगे तो ये मान कहां से आया यहां से हमने मान निकाल लिया है, तो अगले वाले दसवें चैप्टर के अंदर E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी क्या है आपके पास में प्रत्यावर्ती
विद्युत वाहक बल तथा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है। अब उससे आगे इसी के अंदर आपके पास में टॉपिक आता है कि आपके पास में विद्युत वाहक बल ई तथा समय टी के मध्य गिरा, विद्युत वाहक बल ई तथा समय टी के मध्य गिरा, तो क्या ग्राफ होगा? यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, ग्राफ को भी अच्छे से समझना, क्योंकि ऐसे ग्राफ दसवें चैप्टर में हम बार बार बनाएंगे। तो आपके पास में आगे क्या है, विद्युत वाहक बल ई तथा समय टी के मध्य ग्राफ, समय टी के मध्य ग्राफ, तो क्या ग्राफ होगा? यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में एक साइड क्या है, समय है टी मान लिया, और इस साइड क्या है आपके पास, विद्युत वाहक बल ई है, विद्युत वाहक बल क्या है, ई है। तो आपके पास ई बराबर कितना, ई नोट साइन ओमेगा टी है, ई नोट साइन ओमेगा टी है। तो यहां पे ध्यान से समझना कि आपके पास ग्राफ क्या होगा, इस साइड आपके पास विद्युत वाहक बल क्या होगा, माइनस में होगा, किसमें होगा, माइनस में होगा। तो आपके पास ई बराबर कितना दे रखा है, ई नोट साइन ओमेगा टी, और हम जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है, टू पाई अपोन में टी होता है, टू पाई अपोन में टी, या ओमेगा बराबर क्या होता है, टू पाई एफ, एफ बराबर कितना होता है, वन अपोन में टी। आवर्त काल के विक्रम मान को ही क्या कहते हैं आपके पास में, आवर्ति कहते हैं। तो ओमेगा बराबर कितना हो गया, टू अपोन में टी। तो आपके पास समीकरण क्या हो जाएगा, ई बराबर होगा आपके पास में कितना, ई नोट साइन, और कितना हो जाएगा, टू पाई अपोन में टी इंटू टी, यहां टी आवर्त काल और यहां टी क्या है, समय है। तो यहां पे ध्यान देना, इस समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, यदि आपके पास टी बराबर समय कितना है, जीरो है, समय कितना है, जीरो है, तब आपके पास यहां लिखेंगे टी बराबर कितना है, जीरो है, तो ई बराबर कितना होगा, ई नोट साइन टू पाई अपोन में टी इंटू कितना हो जाएगा, जीरो, और इस टू पाई अपोन में टी को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा मान क्या होगा, जीरो होगा, और जीरो साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है, जीरो को इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपके पास समय टी बराबर जीरो के ऊपर जो विद्युत वाहक बल है वो भी कितना है, जीरो है, वो भी कितना है, जीरो है। उससे आगे हम क्या करेंगे, यदि आपके पास में टी बराबर कितना है, टी बाई फोर है, कितना है, टी बाई फोर है, तो आपके पास जो विद्युत वाहक बल होगा ई बराबर कितना होगा, ई नोट साइन टू पाई अपोन में टी इंटू टी का मान कितना है, टी बाई फोर। अब यहां टी से टी कैंसिल, टू से इसको काटेंगे कितना आ गया, टू, तो आपके पास कितना आ गया, साइन पाई बाई टू, साइन 90 का मान कितना होता है, पाई बाई टू का मान कितना होता है, वन होता है। तो आपके पास ई बराबर कितना हो गया, इनो, ई बराबर कितना आ गया, इनो। अब यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में कितने समय के ऊपर, टी बाई फोर के ऊपर आपके पास में विद्युत वाहक बल कितना आया है, इनो आया है, कितना आया है, ई नोट। अब उससे आगे जो थर्ड होगा, यदि आपके पास में टी बराबर कितना है, टी बाई टू है, कितना है, टी बाई टू है, तो इस समीकरण के अंदर डालेंगे तो आपके पास ई बराबर कितना होगा, ई नोट साइन टू पाई बटे टी इंटू कितना हो जाएगा, टी बाई टू, टी से टी कैंसिल, टू से टू कैंसिल, साइन पाई, साइन पाई का मान कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि आपके पास में साइन पाई, साइन 180 का मान जो होता है कितना होता है, जीरो होता है, जीरो को इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ई बराबर कितना होगा, जीरो होगा। तो आपके पास पूरा मान क्या हो गया, जीरो। यहां पे आपके पास समय कितना है, टी वाई टू है, कितना है, टी वाई टू। अब उससे आगे ध्यान से समझना, यदि आपके पास में t बराबर कितना है, 3t बाई फोर है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, यदि t
टी बराबर कितना है, 3TY4 है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर कितना होगा भाई आपके पास में, ई नोट साइन 2π/T × 3TY4। अब काटेंगे टी से टी कैंसिल हो गया, टू से यहां पे कितना आ गया, टू आ गया। तो आपके पास कितना होगा साइन 3π/ कितना हो गया, टू हो गया। और आपके पास में कितना हो जाएगा 3 × 180, तो आपके पास हो जाएगा 540। 540 के अंदर दो का भाग देंगे, साइन कितना आएगा 270 आएगा। और साइन 270 का जो मान होता है वो कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। तो आपके पास यहां मान डालेंगे -1, तो E बराबर कितना होगा -εr0। तो आपके पास यहां पे विद्युत वाहक बल का मान किसके अंदर चला गया, ऋणात्मक के अंदर चला गया। किसके अंदर चला गया, ऋणात्मक के अंदर चला गया। तो ये हो गया भाई, कितने समय कितना है, टी बराबर 3T/4 है। और आपके पास में जो विद्युत वाहक बल है वो किसके अंदर है, माइनस के अंदर है। किसके अंदर है, माइनस के अंदर है। अब उससे आगे इसके अंदर लिखेंगे, यदि आपके पास में टी बराबर कितना है, टी बराबर कितना है, तो आपके पास ई बराबर कितना होगा, εr0 sin 2π/T × कितना हो जाएगा, टी से टी कैंसिल। तो आपके पास कितना बच गया, साइन 2π का मान कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो 0 को इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो विद्युत वाहक बल ई बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो आपके पास यहाँ पे वापस मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ समय कितना है, टी है। इस प्रकार से हम विद्युत वाहक बल ई तथा समय टी के मध्य क्या खींच सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं। और इसी प्रकार हम विद्युत धारा आई तथा समय टी के मध्य भी क्या खींच सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं। तो किसी भी या बहना को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप पे या कमेंट्स करके बता सकते हैं, उस टॉपिक को दोबारा से रिपीट कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।